हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की जो डीएलएड जेवीटी की जो इंट्रेंस एग्जाम हुई थी फ्रेंड्स, उसके जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट है कि क्या सर हमारे हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सर हमारे एक मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए सो डैट सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि सर हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, फाइनेंशियली वीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कैटेगरी वाइज किया गया है, जैसे जनरल के लिए मिनिमम इतने मार्क्स हो सो डैट उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है इतने मिनिमम मार्क्स हो सो डैट उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं एंड उनके पास जो है सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल का। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड उनका एक डाउट था कि सर हमारे जो है मिनिमम 60% मार्क्स हैं 100 में से, तो क्या सर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 10 से 12 जो है वो गवर्नमेंट डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एंड फ्रेंड्स उसमें जो है करीब 900 के करीब जो है सीटें हैं। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सीटें हैं वो काफ़ी कम है एंड एवरी ईयर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस सेट एग्ज़ाम जो है क्लियर करते हैं, उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिन बच्चों का डाउट था कि क्या सर हमारे 60 मार्क्स हैं एंड किसी हमारे सर 70 मार्क्स है, तो हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या हमारा एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसके रिगार्डिंग जो है मैं प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा एंड आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं होंगे एंड जो आप टेंशन ले रहे हैं फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी ना लें। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरीज की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जनरल कैटेगरी के लिए जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो मिनिमम मार्क्स जो रखा गया है, मतलब कि मिनिमम पासिंग मार्क्स सेट जो आपका डीएलएड जेवीटी इंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसके लिए जो मिनिमम मार्क्स है फ्रेंड्स वो 100 में से 50 मार्क्स हैं तो बच्चे पास हैं। बट फ्रेंड्स हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि कितने मार्क्स आए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का सो डैट उनका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो फ्रेंड्स हम प्रीवियस रिकॉर्ड के अगर हम बात करें प्रीवियस रिकॉर्ड 2019-18 की, तो अगर फ्रेंड्स आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर जो आपके मार्क्स है वो 60 या 70 है, अगर फ्रेंड्स आपके जो मार्क्स है वो 70 से अबव है, तो फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो है काफ़ी चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने की। एंड फ्रेंड्स अगर 70 अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपके 70 मार्क्स है फ्रेंड्स आउट ऑफ 100 में से जो आपने सीटेट डीएलएड के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले फ्रेंड्स, आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मैं प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ एंड आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि कोई पता नहीं फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि हर साल जो है चेंजेस होती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी की, जिनके पास बीपीएल आईआरडी के जो है सर्टिफिकेट है एंड जो स्टूडेंट जो है ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने जो है अपने फॉर्म में ये सभी ऑप्शन फिल किए हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स अगर आपके मार्क्स जो है फ्रेंड्स 60 आ रहे हैं या 65 हैं एंड अगर आप ओबीसी से एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आपके पास बीपीएल आईआरडी के जो है सर्टिफिकेट है, तो जब आप फ्रेंड्स जो है काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये सभी आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सो डैट फ्रेंड्स आपका जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी चांस है कि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बट अगर फ्रेंड्स आपके जो मार्क्स है वो 65 से अबव होना चाहिए तभी मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बिकॉज फ्रेंड आपके कम मार्क्स होते हैं तो कई बार जो है फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरीज वाले जो होते हैं बीक जो फाइनेंशियली बीक स्टूडेंट होते हैं वो ईडब्ल्यूएस के जो है सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो फ्रेंड्स उनका जो है जल्दी एडमिशन हो जाता है, इस वजह से फ्रेंड्स जो है सीटें वो काफ़ी कम हो जाती हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जैसे जिनके पास जो है वेरीफाइड जो है डिस्ट्रिक्ट एंड इंस्टीट्यूट लेवल का जो है सर्टिफिकेट है, तो अगर वे बच्चे काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं एंड ये सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे तो ये भी फ्रेंड्स गारंटी है कि उनका भी एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। बट उनके मार्क्स जो है फ्रेंड्स वो 60 या 55 से अबव होना चाहिए एंड ये सभी मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि अभी फ्रेंड्स अदर स्टेट के कोविड की वजह से स्टूडेंट ने जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है अदर स्टेट से भी आते थे बट वे नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से काफ़ी चांस है। एंड मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि 26 के करीब जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज हैं एंड उनमें जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो लगभग 2000 ऐसे हैं। बट आपको पता है फ्रेंड्स कि जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इतने उनके पास पैसे नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे प्राइवेट कॉलेज में डाइट में लग जाते हैं एंड ये 2 ईयर्स का कोर्स है फ्रेंड्स रेगुलर
सो अगर फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ये सभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है फ्रेंड्स, ये सभी प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, तो आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि हर साल फ्रेंड्स डेटा चेंज होता रहता है। सो अगर आपको फ्रेंड्स काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो मेरा आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। एंड मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपनी चैनल पे अपलोड किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।